नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी 54 दिनों में तथा सी 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। फिर से फिनिश होने से जस्ट पहले काम छोड़ रहे हैं। अगर फिनिश होने से पहले छोड़ रहे हैं तो डेट मीन्स जितने डेज पहले ये छोड़ रहे हैं उतने डेज का काम टोटल वर्क में हम ऐड कर देंगे, तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं छोड़ा था। क्लियर? चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए 36 डेज में, बी 54 डेज में, सी 72 डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ऐसे में तीनों कैल्शियम लिया, डेट इज 216 यूनिट का वर्क हो गया। इनसे डिवाइड करने पर इंडिविजुअल की कैपेसिटीज, तो 36 से डिवाइड किया 6 यूनिट पर डे, 54 से डिवाइड किया 4 यूनिट पर डे एंड 72 से डिवाइड किया 216 को 3 यूनिट पर डे के रेट से सी काम कर सकता है। तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटीज आ गई। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों पर्सन मिलकर काम को कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो डेट मीन 6, 4 एंड 3 मिलकर, तो 13 यूनिट पर डे के रेट से तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में कहा गया था कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो 8 दिन में एक्चुअली इसके हिस्से का कितना काम रह गया, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्क ऑफ 8 डेज ऑफ ए, ए का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो वर्क ऑफ ए कौन सा, रिमेनिंग वर्क ऑफ ए, क्योंकि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा। 1 दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, तो 6 × 8 = 48 यूनिट वर्क इसके हिस्से का रहेगा। ओके, ऐसे ही बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है तो बी के हिस्से का काम कितना रह गया, फिर अगर ये बीच में नहीं छोड़ता तो वर्क ऑफ बी, अगर बी का रिमेनिंग वर्क आइडेंटिफाई करना हो तो बी 1 दिन में करता है 4 यूनिट वर्क, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, दैट मींस 48 यूनिट वर्क ये भी करेगा। ओके, तो ए के हिस्से का 48 यूनिट वर्क और बी के हिस्से का 48 यूनिट वर्क हमारे पास रह गया क्योंकि इन्होंने बीच में छोड़ दिया। अगर ये नहीं छोड़ते तो टोटल वर्क कितना होता हमारे लिए, तब ऐसे केस में अगर हम टोटल वर्क का कैलकुलेशन करना चाहें, टोटल वर्क कितना होगा उसे निकालना चाहें, अभी है 216 यूनिट का वर्क, ए के हिस्से का 48 यूनिट वर्क और बी के हिस्से का 48 यूनिट वर्क अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो हमारे लिए टोटल वर्क हो जाता है 312 यूनिट, 312 यूनिट का हमारे पास टोटल वर्क हो जाता है। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि इन्होंने बीच में काम नहीं छोड़ा है तो हमें टोटल वर्क 312 यूनिट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तीनों मिलकर काम कर रहे, अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इनकी मिलकर कैपेसिटी होती है 13 यूनिट पर डे, 13 यूनिट पर डे के रेट से 312 यूनिट वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करना है। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क है हमारे पास 312 यूनिट और कैपेसिटी है 13 यूनिट पर डे, इसको सिंपलीफाई करते हैं, जो भी आता है इतने डेज में वर्क फिनिश हो जाए। चलिए ट्राई करते हैं, दैट मींस तीनों पर्संस मिलकर कब, जब ए 8 दिन पहले काम छोड़ रहा हो और बी 12 दिन पहले काम छोड़ रहा हो तो वर्क 24 डेज में फिनिश हो जाए। क्लियर? 24 डेज में फिनिश होगा। चलिए इस ऑप्शन में देखते हैं, तो 24 डेज का ऑप्शन हमारे पास है, दैट मींस ये हमारा आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर? तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई पर्सन कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा हो तो वो उतने दिन में कितना काम कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करके टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए, अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसने काम नहीं छोड़ा था, और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो पहले तो हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि 800 रुपीस को इन दोनों के बीच में बांटे कैसे, कैसे बांटे, इनके वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है। अब वर्किंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हमें यहां दे रखा है कि लड़के और जो आदमी है उन दोनों की वर्किंग कैपेसिटी में एक रिलेशन दिया हुआ, पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। इट मींस अगर हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल कार्य कुशल है। इट मींस बॉय की कैपेसिटी अगर 1 यूनिट है
तो इसका ट्रिपल दैट मींस 3 यूनिट कैपेसिटी मेन की होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटीज का रेशियो ये हो जाएगा, दैट्स द रेशियो ऑफ कैपेसिटी। ओके, काम करने की क्षमता का अनुपात ये होगा। अब हमें एक और रिलेशन दिया है, दैट इज 5 डेज में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। अगर 5 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा। कैपेसिटी और टाइम जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर आपने मिस किया हो तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऐसे में टाइम का रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कहा था कि अगर दो ही पर्सन के बीच में रेशियो दिया हो और इसका रेसिप्रोकल रेशियो दिया आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट मींस 1:3 ये इनके टाइम का रेशियो हो जाए। ओके, कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं, क्योंकि अगर जल्दी काम को पूरा कर रहा है कोई पर्सन तो उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर कोई व्यक्ति काम को लेट पूरा करता है, देर से पूरा करता है, तो उसकी कैपेसिटी कम है। तो टाइम और कैपेसिटीज एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती है। ऐसे में कैपेसिटी का रेशियो हमारे पास है, टाइम का रेशियो आइडेंटिफाई करना है। अगर रेशियो में दो ही टर्म्स हो तो रेसिप्रोकल रेशियो दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज करने से बन जाता है, 1:3 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? तो टाइम का रेशियो हो गया 1:3। अब 1:3 का रेशियो और मिलकर काम कर रहे हैं, अगर हम इस रेशियो से एग्जैक्टली टाइम को आइडेंटिफाई करना चाहें मैन और बॉय का, तो कितना होगा मैन और बॉय का टाइम? वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें। सपोज हमने वेरिएबल लिया x, तो ये हो जाएगा 3x। ओके, तो मैन अगर x डेज में कंप्लीट करता है तो बॉय को 3x डेज का टाइम लगता है। दोनों मिलकर मैन एंड बॉय, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिलकर कहा है, तो दो पर्सन का मिलकर टाइम आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो भी प्रीवियस लेक्चर में है। अगर मिस हुआ तो हम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उनको आप देख सकते हैं। दो पर्सन मिलकर कितने टाइम में फिनिश करते हैं? दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम, दैट मींस x इनटू 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलकर कितना टाइम लगता है वो हमें दे रखा है 5 डेज, दैट इज इक्वल टू 5 डेज ऐसा दिया हुआ। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करें तो यहां से निकाला जा सकता है कितना हो जाए। क्लियर? तो दैट वुड बी 3x स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू 5। It means x will be 20/3. तो x की वैल्यू होती है 20/3। यहां से हम दोनों की कैपेसिटीज को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का टाइम टू फिनिश द वर्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अगर टाइम फाइंड करना होता तो दैट विल बी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा x की वैल्यू 20/3। इट मीन्स मैन अकेले इतने डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, दैट इज 6/2/3 डेज में। और बॉय की बात करें तो 3 × 20/3, That means boy अकेला 20 days में वर्क को फिनिश कर सकता है। क्लियर? Now ये टाइमिंग हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ये हमसे नहीं पूछा गया, ये हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर पूछा जाता टाइम तो हम टाइम को इस तरह से आइडेंटिफाई करते, ये आपको एक्सप्लेन किया। हमसे कहा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है वो आइडेंटिफाई करो। ओके, मिलकर अगर 5 दिन में वर्क को फिनिश कर रहे हैं तो 5 दिन में उन्हें टोटल 800 रुपीज मिल रहा, तो एक दिन में कितना मिलेगा? तो दोनों को मिलकर दैनिक कितना मिलता है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ। एक्चुअली वेजेस का डायरेक्ट रिलेशन, मजदूरी का सीधा सीधा रिलेशन उनकी कैपेसिटीज से होता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी उसे उतना ही पैसा मजदूरी का मिलेगा। ओके, ज्यादा कैपेसिटी होगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम कैपेसिटी होगी तो कम पैसा मिलेगा। ये रूल है वेजेस का, मजदूरी का ये नियम कि जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे में कैपेसिटीज के बेसिस पर ही हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस पैसे को। हमें इंडिविजुअल का टाइम आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। हमसे कहा लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ, मजदूरी बताने के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए और कैपेसिटीज का रिलेशन यहां दिया हुआ है। अगर रिलेशन देखें तो क्वेश्चन में कहा है पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, 3 गुना 3 times एफिशिएंट है। तो ऐसे में अगर बॉय की कैपेसिटी 1 है तो मैन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? इसका ट्रिपल, 3 गुना, दैट इज 3:1 का रेशियो हो गया। जो इनकी कैपेसिटीज का रेशियो है, इसी रेशियो में इन्हें वेजेस भी मिलनी है, मजदूरी भी मिलनी, दैट मींस इस पैसे को इसी रेशियो में बांटना। ओके, लेकिन हमसे कहा है दैनिक मजदूरी बताओ, तो एक दिन में कितना पैसा मिलता है पहले वो देख लेते हैं। 5 दिन में
अगर 800 रुपए मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना पैसा मिलेगा? तो दैनिक मजदूरी इनकी होनी चाहिए मिलाकर, दैनिक मजदूरी 5 दिन में 800 रुपए, तो एक दिन में कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 160 रुपीस। इसका मतलब इन्हें टोटल 160 रुपीस मिलेंगे एक दिन में। इस 160 रुपीस में से तीन हिस्सा तो मैन का होगा और एक हिस्सा बॉय का होगा, और यही इसकी दैनिक मजदूरी हो जाएगी। तो बॉय का पार्ट कितना होगा अगर वो आइडेंटिफाई करना चाहे कि लड़की की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो बॉय को मिलता है 1 पार्ट ऑफ टोटल, क्योंकि हमारे पास टोटल है इनका, तो टोटल कितना हो गया 3+1 = 4 आउट ऑफ 160। इट मींस 40 रुपीस का शेयर होगा लड़के का, तो लड़के को एक दिन में कितना मिलेगा? 40 रुपए। तो आंसर हो जाता है हमारा 40 रुपीस। क्लियर? तो इस तरह से कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर किसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ मजदूरी दी है उसको, किसी पैसे को कुछ लोगों के बीच में बांटना है, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्वेश्चन में आसान ये है कि हमारे लिए दोनों की कैपेसिटीज का डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं रह जाता है, ये केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है, केवल कैपेसिटी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए को कुल कितनी धनराशि मिलेगी? अगेन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें कैपेसिटी चाहिए। ओके, तो पहले कैपेसिटी आइडेंटिफाई करते हैं। कैपेसिटीज के लिए डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हाँ ड्यूरेशन दे रखा है, तो ड्यूरेशन से कैपेसिटी पहले आइडेंटिफाई कर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है, जबकि सी की सहायता से, दैट मींस ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में ही पूरा कर देते हैं, ऐसा कहा गया है। तो फिर ऐसे में इनकी कैपेसिटीज का रिलेशन क्या बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 12, 15 and 5, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन का केस है, एलसीएम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो ऐसे में 12, 15 and 5 का एलसीएम, दैट वुड बी 60 यूनिट हमारे लिए वर्क हो गया। अब इस 60 यूनिट वर्क में ए की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज 5 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। बी की कैपेसिटी की बात करें तो बी 15 से 4 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है, जबकि ए बी सी तीनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी होगी, तो 5 से डिवाइड किया 12 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। क्लियर? अगर ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट वर्क करते हैं, दैट मींस इनकी कैपेसिटी 12 यूनिट पर डे की है, तो फिर सी की कैपेसिटी कितनी होगी पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? इसलिए ताकि हम एबीसी के बीच में ये पैसा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी चाहिए, ए की कैपेसिटी हमारे पास है, बी की कैपेसिटी हमारे पास है, लेकिन सी की कैपेसिटी नहीं है, तो पहले सी की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करें। ऐसे में ए की कैपेसिटी हमारे पास 5 यूनिट पर डे, बी की कैपेसिटी हमारे पास 4 यूनिट पर डे, तो सी की कैपेसिटी कितनी है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सी की कैपेसिटी हो जाएगी 12 - 9, दैट इज 3 यूनिट पर डे। अब हमारे पास तीनों की कैपेसिटीज अवेलेबल है और कैपेसिटीज के रेशियो में ही ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ऐसे में ए बी सी की कैपेसिटी का रेशियो कितना होगा अगर उसे निकाले, तो 5:4:2, दैट इज 3, सी की कैपेसिटी 3। इस रेशियो में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से वाले पैसे को, जो इनकी मजदूरी है 960 रुपए, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमसे पूछा है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे, तो केवल ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए का रेशनल वैल्यू 5 यूनिट डिवाइडेड बाय, रिलेशन में हमें दिया है तीनों को मिलाकर 960 रुपए मिल रहे हैं, तो दैट मींस रेशनल नंबर्स का सम लेंगे नीचे, 5+4+3, दैट इज 12 * टोटल पैसा है 960 रुपीज। 12 से डिवाइड किया, 12 * 96, 5 * 40, दैट मींस 400 रुपए ए को मिलने चाहिए। तो इसमें से ए को कितना मिल रहा है, 400 रुपए, तो ए के हो जाएंगे 400 रुपए, दैट्स योर आंसर। क्लियर? रिमेंबर, पैसे को कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ लोगों के बीच में, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं वर्किंग टाइम। तो इस मीन्स हमें तीनों की इंडिविजुअल की कैपेसिटी चाहिए थी, कैपेसिटीज हमने तीनों की फाइंड की और उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? इसी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4,500 रुपए में ठेका लिया, ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से उन्होंने ये कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया, तब ठेके की राशि में सी का भाग कितना है,
ठेका भले ही ए और बी ने लिया था, लेकिन क्योंकि सी ने भी वर्क किया है तो सी का भी शेयर बनता है। दैट मींस अब ए बी सी तीन पर्सन हो गए। अब क्योंकि अगेन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन तो कैपेसिटीज के बेसिस पर होता है, तो तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें चाहिए। कैपेसिटीज के लिए जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसमें ए अकेले वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर सकता है दिया है, दैट इज 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी अकेले इसे कर सकता है 12 दिन में, जबकि सी की सहायता से उन्होंने ये कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 डेज में इस वर्क को फिनिश कर दिया। तो ऐसे में क्योंकि मोर देन 2 पर्सन का केस है और हमें कैपेसिटी तीनों की चाहिए, तो कैपेसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम एलसीएम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। 8, 12 and 4 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट वुड बी 24, तो 24 यूनिट हमारे लिए वर्क हो गया। अब यहां से अगर इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करना चाहे तो 8 दिन में 24 डेज को वर्क कर रहा है, तो 8 से डिवाइड किया दैट मींस 3 यूनिट पर डे के रेट से ये काम करता है। 12 से डिवाइड किया 2 यूनिट पर डे के रेट से बी काम करता है, एंड 4 से डिवाइड किया 6 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करता है। ओके तो यहां पर अब हमारे पास तीनों की कैपेसिटीज फाइंड करने के लिए एबीसी तीनों का रिलेशन हमारे पास है, दैट इज 6 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। हमें सी की कैपेसिटी चाहिए तो सी की कैपेसिटी के लिए ए और बी की कैपेसिटी अवेलेबल है। ए करता है एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आइडेंटिफाई करते हैं, तो सी की कैपेसिटी होती है 1 यूनिट पर डे, दैट इज 6-5 इज 1 यूनिट पर डे। नाउ सी की कैपेसिटी हमारे पास है, ए की कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी, सारी कैपेसिटीज हमारे पास आ गई, तो रेशियो ऑफ कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो रेशियो ऑफ कैपेसिटी काम करने की क्षमता का अनुपात निकाल रहे हैं। ए बी एंड सी की कैपेसिटीज का रेशियो क्या होगा, ए कितना काम करता है एक दिन में, एक दिन में करता है 3 यूनिट वर्क, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट वर्क और सी एक दिन में करता है 1 यूनिट वर्क। इसका मतलब इनकी कैपेसिटीज का रेशियो 3:2:1 हो गया और इसी रेशियो में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मींस 4500 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। हमसे कहा है सी की सहायता से किया तो सी को कितना पैसा मिलेगा वो आइडेंटिफाई करो, सी का शेयर आइडेंटिफाई करना है, तो शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा इसमें, शेयर ऑफ सी, सी का शेयर कितना है, तो सी का रेशनल वैल्यू है 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू है हमारे पास, टोटल मींस तीनों का सम, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 6×4500। सॉल्व करते हैं इसको, 6×7=42 and 5=30, दैट मींस सी का शेयर होता है 750 रुपीज का, तो सी को कितने पैसे मिलेंगे इसमें से 750 रुपए, तो 750 रुपीज का हमारा शेयर हो जाता है। इस तरह से हमने वर्क इन टाइम में जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, ऑलमोस्ट उनको कवर करते हुए ईच ऑफ टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। ओके अब इसके साथ हमारा वर्क इन टाइम का चैप्टर यहां फिनिश होता है। इसका सेकेंड पार्ट पाइथन सिस्टम को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।